दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नो स्पार 6 गो मोबाइल का एलसीडी किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका बैक कवर खोलना है। बैक कवर खोलने के बाद इसके सारे पेज खोल लें, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इसके ये कवर हटा दें। कवर हटाने के बाद सबसे पहले अपनी इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद डिस्प्ले वाला जैक निकाल दे और इसका जो मेन बोर्ड है मोबाइल के पैनल से बाहर निकाल दे। इसका एंटीना केबल का जो जैक है वो भी निकाल दे। अब इसके नीचे वाला जो कवर है ये खोल दे और इस पर चार्जिंग फ्लैश टिप वाला जैक सब बोर्ड पर लगा होता है तो वो जैक खोल दे और एंटीना केबल को डिस्कनेक्ट करके इसकी बैटरी को भी बाहर निकाल दे और सब बोर्ड को भी बाहर निकाल दे। हत्ता इसमें जितने भी चीज़ें हैं सारे इस पैनल से बाहर निकालना है और दूसरा जो पैनल होता है तो उसमें लगाना है। तो दोस्तों कोशिश करें कि इस तरह जो उसके साथ फ्रेम होता है फ्रेम वाला स्क्रीन ले ले तो वो आपको लगाने में आसानी होगी। अगर फ्रेम वाला नहीं होगा तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और फ्रेम वाले में ये फ़ायदा भी होता है कि अगर आपका पुराना वाला स्क्रीन टूट गया और उसमें फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है या टूट गया है तो वो भी आपका नया हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका पैनल है, अब इसमें दूसरा नया पैनल लगा ले। नए पैनल में वो पुरानी चीज़ें लगा ले जो आपने इससे उतारी थी। ये सब बोर्ड लगा ले, सब बोर्ड में चार्जिंग फ्लैक्स टिप वाला जैक लगा ले और एंटीना केबल लगा के मोबाइल के पैनल में एंटीना केबल के लिए मखसूस जगह बनी हुई है उसी में इसको बिठा दे। मेन बोर्ड में एंटीना केबल का जैक लगा के इसको मोबाइल के पैनल में लगा ले, फिट कर दे। जब बोर्ड सही तरह से बैठ जाए तो उसमें एयर स्पीकर भी लगा ले और डिस्प्ले वाला जैक लगा ले। अब इसमें बैटरी को लगा ले और इस पर ये लाउड स्पीकर वाला कवर लगा ले। कवर लगाने के बाद इस बैटरी को कनेक्ट कर दे और इस पर ये कवर लगा ले। कवर लगाने के बाद इस पर ये स्टील वाला कवर रख दे और इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेच लगा दिए तो नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपके स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इस पर बैक कवर लगा ले। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।